हम जनाब यहाँ से इनके YouTube के प्लेटफॉर्म से हम आए हैं, तो माशाल्लाह इनकी सर्विस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग है। टायर इन्होंने हमें सही तरह मोटिवेट किया और पुराने टायर भी हैं उस पर इन्होंने एडजस्ट किया। अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम दोबारा राशिद साहब के पास मौजूद हैं, उनकी शॉप एयर डायनामिक्स जो कि सदी रोड सदर रावलपिंडी में मौजूद है। राशिद साहब ऑलरेडी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं कि राशिद साहब 35 साल जनरल टायर्स में गुजार चुके हैं एज ए जनरल मैनेजर। वो आखिरी उनकी जो पोजीशन थी वो जनरल मैनेजर थी। अच्छा, आज जो हम राशिद साहब से जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे वो टायर्स की प्राइसेस हैं जो आजकल 2023 में जो चल रही हैं और कस्टमर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने हमें टाइम दिया। सर, आपको पता है कि कीमतें हर चीज़ की काफ़ी बढ़ चुकी हैं, आम अशिया और बाकी जो चीज़ें हैं जो कस्टमर्स यूज़ करते हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और अगर टायर्स के हवाले से पूछा जाए तो जो भी कस्टमर्स टायर मार्केट में आते हैं वो टायर्स की प्राइसेस सुन के जो है ना वो काफ़ी जो है दिल बर्दाश्त हो गए, तो उस सिलसिले में कस्टमर्स के लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं सर? इसमें इमरान साहब, जो सबसे पहली बात आपने की है कि इस वक्त वाकई जो है वो तमाम टायर्स की प्राइसेस जो हैं वो इतनी बढ़ चुकी हुई हैं कि कस्टमर के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। प्लस फिर ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा टायर्स आ चुके हुए हैं, तो दूसरा फिर कस्टमर्स के लिए परेशानी ये होती है कि यार कौन सा टायर ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा स्मगल है, कौन सा इम्पोर्टेड है, किसकी डेट ओरिजिनल है, किसकी डेट टेम्पर्ड है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, और अनफॉर्चुनेटली जो है ना हमारे ही भाई जो हैं, हमारी ही बरादरी के जो कुछ लोग हैं वो टायर्स के साथ जो है ना जो टेम्परिंग करते हैं तो वो किसी की जान के साथ खेल रहे होते हैं। कस्टमर इनोसेंट होता है, वो पैसे भी पूरे देना चाह रहा है आपको, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना अपने चार पैसों के लिए उसकी जान से खेलते हैं। तो लिहाजा इसमें जो बजट की बात आती है तो अब जो जितने भी इम्पोर्टेड टायर्स हैं, यानी कि योकोहामा है, डनलप है, ब्रिस्टोन है, मिशलन है, ये तमाम टायर्स जो है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक्सपेंसिव हो चुके हुए हैं एंड दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी कस्टमर। इसके बाद फिर आपके पास चॉइस आ जाती है मुख्तलिफ जो चाइनीज़ टायर्स इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं। अब चाइनीज़ टायर्स का जो सिलसिला है वो इसमें ये है कि उसमें बहुत कम ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो रेगुलर इम्पोर्ट्स में आते हैं। अगर आप उन ब्रांड्स में जाते हैं और आपको फॉर्चुनेटली कहीं से मिल रहे हैं तो फिर उनकी प्राइसेस फिर ज़्यादा हो जाती हैं, और उसी ब्रांड के पैरल स्मगल टायर भी आ रहे होते हैं जिसकी प्राइसेस कम होती हैं। तो इस चीज़ की पहचान करना कि हम स्मगल ख़रीद रहे हैं या इम्पोर्टेड ख़रीद रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। तो चाइनीज़ टायर के अंदर जो है इस वक्त आप अगर किसी मार्केट में भी जाते हैं, और अगर जैसे अब रावलपिंडी में अगर आप मौजूद हैं और अगर आप इधर सादी रोड या कश्मीर रोड पर चले जाते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 150-200 दुकानें हैं और हर दुकानदार के पास एक डिफरेंट ब्रांड है चाइना का, और जिसके पास जो ब्रांड पड़ा हुआ है वो सबसे अच्छा ब्रांड है। लेकिन जो भी चाइनीज़ ब्रांड आप परचेज कर रहे होते हैं उसमें एक चीज़ ये जहन में रखें कि वो टायर जो हैं वो रेगुलर नहीं उनकी अवेलेबिलिटी होती। आज आपने मेरे कहने पर आपने डाल दिए, मैंने आपको उसकी एक झूठी वारंटी भी लिख कर दे दी कि जी ये 50,000 किलोमीटर या एक साल चलेगा। भाई जब एक टायर की यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसकी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे क्लेम करने के लिए? आपको पीछे एक सपोर्ट चाहिए ना। तो इस सिलसिले में जनरल टायर जो है उनके पूरे पाकिस्तान के अंदर रीजनल ऑफिसेज हैं, उनकी आफ्टर सेल सर्विस है, एक प्रॉपर उनका एक सेटअप है कि जहाँ पर अगर आपने टायर मुझसे भी ख़रीदा अगर सपोजें और मैं आपको एट द टाइम ऑफ क्लेम एंटरटेन नहीं कर रहा, तो आपके पास जनरल टायर का नंबर है, आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे विल नॉट आस्क यू कि जी आपने उससे क्यों ख़रीदा या उससे क्यों ख़रीदा है। जनरल की प्रोडक्ट है, जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑड्स एंड इवेंट्स। तो मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं कि जिसमें कि इम्पोर्ट्स जो हैं अब वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो रही हैं,
यानी बहुत से साइजेस जो हैं वो आउट ऑफ मार्केट होते चले जा रहे हैं क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही हैं, बैंक्स जो हैं वो पैसा नहीं दे रहे आपको, डॉलर जो है वो कहीं पर अभी तक स्टैंड नहीं कर रहा, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन जो मौजूदा सिचुएशन है, अल्लाह ताला बेहतर करे कि ये जल्द से जल्द जो है ये स्टेबल हो, लेकिन करंटली जो सिचुएशन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और इन मौजूदा हालात के अंदर फिर वाहिद आपके पास जो ऑप्शन रह जाती है वो जनरल टायर्स की है, जिसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट चाइनीज से मोर और लेस इक्वल है, वारंटी है, रिप्लेसमेंट है, आपको कभी भी लेटर स्टेजेस के ऊपर अगर आपको टायर चाहिए तो आपको ये जो आप नहीं मिलता कि जी आप दो लें या चार लें या हम एक नहीं दे सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल राउंड द ईयर। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि जनरल टायर इज़ द राइट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन। ये जो इससे पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ये लोगों को गलत यानी गाइड किया जाता है कि जी ये टायर हार्ड होता है तो ये फलाना होता है, ये धमकाना होता है, भाई बात यह है कि टायर जो भी आप परचेज करते हैं उसकी साइड वॉल के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है कि इसके अंदर कितना स्टील है, कितना पॉलिएस्टर है, कितना नायलन है। अगर जनरल टायर के अंदर जो उसकी कंपोजिशन में इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और किसी चाइनीज टायर में भी वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक टायर हार्ड हो गया और एक टायर सॉफ्ट हो गया? ये सब बातें जो है ना सेल्फ क्रिएटेड हैं। सर इसका ये मतलब है कि आजकल के करंट दौर में बेस्ट ऑप्शन जो कस्टमर के लिए है वो जनरल टायर है? नहीं, करंट यानी सिचुएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जनरल टायर हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर व्हीकल, क्योंकि दिस ये जो टायर आपका जो बनता है ये अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशंस, जो आपकी एटमोस्फेरिक कंडीशंस हैं उसके मुताबिक बनाया जाता है। ये बात सही नहीं है कि जी ये करंट सिचुएशन के लिए जो है ना ये टायर बेहतर है, ये हमेशा ही बेहतर रहा है। लेकिन देखें ना, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, मिल्लत, हिनो, सब लोग जो है वो जनरल का टायर ही यूज करते हैं। मतलब सर इसमें ये क्योंकि ये सवाल करने का मकसद ये था कि करंट सिचुएशन ये कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हुई हुई है, ठीक है, एक तो ये आपने बात बताई कि यार प्राइसेस बहुत ज्यादा हुई, एलसीज की बात अभी आपने की, लेकिन अगर क्योंकि दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी कोई टायर लेता है, चाइना का कोई टायर ले लेता है और फॉर एग्जांपल वो आगे नहीं मिलता, तो फिर उसको वो प्रॉब्लम होगी कि वो बेटर नहीं मिलेगा उसको। यही मैंने आपसे कहा ना कि ये सिर्फ चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये इवन की तमाम जो स्मगल या इम्पोर्टेड टायर डनलप, ब्रिस्टन, योकोमा के जो आते हैं उनके साथ भी ये इशू होता है कि वो टायर जो है उनका पैटर्न जो है, आज आपने एडवन डीबी लिया योकोमा में, कल को वो कहते हैं नहीं जी अब इसमें ES32 आ गया है, फिर अगले दिन वो कहते हैं कि जी अब ब्लू अर्थ आ गया है। तो ये साथ साथ चेंज होते रहते हैं इनके जो पैटर्न होते हैं, मगर जनरल टायर का एडवांटेज आपको ये है कि ये एक कंसिस्टेंट ब्रांड है, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, अवेलेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस बड़ी प्रॉम्प्ट है, प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। तो आई डोंट नो कि अब क्यों यानी कि व्हाई यानी पीपल दे गो फॉर द अदर ब्रांड्स, राइट। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले एक कस्टमर आए थे आपके पास और वो इसी हवाले से आपसे बात भी हो रही थी, उनका भी थोड़ा कोई बजट का इशू था और उनके कोई गाड़ी, वो जो उनकी गाड़ी थी वो महरान के लिए टायर्स वो कह रहे थे, लेकिन वो कुछ डिफरेंट ब्रांड्स पे चले गए थे, लेकिन हमने अभी एक देखा कि आपने उनको एक काफी अच्छा गाइड किया, तो वो भी हम कस्टमर वो अपने अपने व्यूअर्स को हम बताएंगे। जी बिल्कुल। तो वो क्या सर, वो आए किस लिए थे और किस तरह, वो आप जरा थोड़ा सा बताएंगे? ये कस्टमर ने बल्कि ये खुद भी बताया है कि वो पहले दो तीन दिन से मार्केट में घूमते रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर बेशुमार चाइनीज टायरों की ऑप्शंस लोगों ने दी हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या डिसीजन लें। उसके बाद फिर उन्होंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो इत्तेफाक से जो है वो मेरी वीडियोज़ उनके सामने आई, तो उनका कुछ ट्रस्ट लेवल बढ़ा और वो मेरे पास आए। आगे फिर जो उन्होंने कहा वो आप उनको जो इंटरव्यू आपने उनसे किया है वो आप यानी व्यूअर्स को दिखा दें।
जनाब यहाँ से इनके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हम आए हैं तो माशाल्लाह इनकी सर्विस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग है। टायर इन्होंने हमें सही तरह मोटिवेट किया और पुराने टायर भी हैं उस पर इन्होंने एडजस्ट किए, तो हम माशाल्लाह बहुत सेटिस्फाइड है इनकी सर्विस से, इनकी हॉस्पिटैलिटी से, इनकी मोटिवेशन से। जो इन्होंने यूट्यूब पे सारी मोटिवेशन दी, वीडियो हमने देखी, तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें टायर के बारे में मालूम हुई। वरना पहले हम यही कह रहे थे कि शायद चाइना के टायर भरे हुए हैं तो वही लगवा लें, लिंगलोंग या कोई भी, लेकिन मेरे ख्याल से जनरल टायर इज़ दी बेस्ट क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है, तो ये सबसे अच्छी कंपनी है जनरल टायर की। वी आर सेटिस्फाइड। अच्छा सर, आपको ये मुझे बताएं कि आपको प्राइस के हवाले से आर यू सेटिस्फाइड विद द प्राइस? जी जी, प्राइस के हवाले से भी माशाल्लाह सही है, रीजनेबल है इनका, तो प्राइस भी सही है। और जो पुराने टायर जो आपने अभी वो भी एडजस्टेबल जो आपने एडजस्ट करवाए वो भी ठीक है, आप सेटिस्फाइड है? इन्होंने एडजस्ट कर लिए, ठीक है। बाकी आपकी डीलिंग भी अच्छी है माशाल्लाह, सेटअप भी अच्छा है आप लोगों का, तो बाकी हम बहुत सेटिस्फाइड है माशाल्लाह। आप सबसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसी शॉप पे आप आएँ, इंशाल्लाह आपको यहाँ रीजनेबल रेट मिलेंगे और सेटिस्फैक्ट्री काम मिलेगा आपको, जो टायर वगैरह हैं जो वो आपको सही रेट पे मिलेंगे और सही क्वालिटी के वाइज अच्छे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।